हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक तरीके का प्रोसेस है जो हम किसी मैसेज को कन्वे करते हैं इमेज के, टेक्स्ट के और इलस्ट्रेशन के थ्रू। जैसा इसमें मेंशन है, मैसेज इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड इमेज, मतलब कोई भी टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट मैसेज में कन्वे करना चाहते हैं वो टेक्स्ट, और साथ में वो इमेज कि जिस तरीके की वो इमेज से वो चीज़ रिजेंबल हो, वो पता चले कि हाँ वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। अब बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमें ये तो पता चल गया कि हमें मैसेज कन्वे करना होता है टेक्स्ट के थ्रू, इमेज के थ्रू या इलस्ट्रेशन के थ्रू। अब सबसे फर्स्ट चीज़ आती है कि व्हाट इज़ ग्राफिक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्राफिक क्या है। ग्राफिक बेसिकली दो ही तरीके के होते हैं, वन इज़ रास्टर एंड वन इज़ वेक्टर। रास्टर वो इमेजेस होती हैं जो पिक्सल बेस्ड इमेजेस होती हैं, जो पिक्सल अलग अलग कलर्स के मिक्स करके वो एक इमेज क्रिएट करते हैं। वेक्टर वो होती हैं जो लाइन से डिज़ाइंड होती हैं और लाइन के थ्रू ही हम उन चीज़ों को देखते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, क्यों हम रास्टर की बात कर रहे हैं, हम क्यों वेक्टर की बात कर रहे हैं? रास्टर इमेजेस यूज़ होती हैं जो सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट के थ्रू हम देखते हैं, चाहे वो फ़ोन में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं या इंटरनेट पर देख रहे हैं। और वेक्टर इमेजेस वो होती हैं जिन्हें हमें प्रिंट करना होता है कि लाइक अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं जो प्रिंट होने वाली है, तो हो सकता है कि वो कभी छोटी होगी, कभी बड़ी होगी, कभी होर्डिंग पे लगेगी, कोई बड़े बैनर पे लगेगी, तो हमारे को इमेज को रिसाइज करना पड़ता है। तो सबसे मेजर चीज़ यही है कि आपको ईजी लैंग्वेज में समझें कि रास्टर हमें डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ करनी है और वेक्टर्स हमें प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ करनी है। नेक्स्ट, क्या अंतर है रास्टर में क्यों हम यूज़ करते हैं और वेक्टर क्यों यूज़ करते हैं? रास्टर एक तरीके की फिक्स रिजोल्यूशन इमेज होती है कि जिसका मतलब होता है कि आपका जो भी साइज़ है वो एक फिक्स साइज़ है, आप उसको रीस्केल करेंगे तो वो इमेज डिस्टॉर्ट हो सकती है, ब्लर हो सकती है, जैसा आपने कई इमेजेस में देखा होगा। अब यहाँ पे दोनों रिजोल्यूशन मैंने आपको मेंशन किए हैं, वन इज़ फिक्स रिजोल्यूशन एंड वन इज़ इन्फिनिट रिजोल्यूशन। फिक्स रिजोल्यूशन का मतलब है कि आपकी इमेज का जो साइज़ आपने कैनवस लिया है उस कैनवस से आप बड़ा करेंगे तो वो पिक्चर ख़राब हो जाएगी। इन्फिनिट रिजोल्यूशन का मतलब है कि आप अपनी इमेज को जितना मर्जी छोटा बनाएं, चाहे जितना मर्जी बड़ा बनाएं, वो कभी भी रीस्केल कर सकते हैं। रास्टर इमेज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम PPI में कैलकुलेट करते हैं, जिसे बोलते हैं हम पिक्सल पर इंच, मतलब एक इंच के अंदर कितने पिक्सल्स होंगे। और अगर हम इन्फिनिट रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं DPI, बिकॉज ये प्रिंट होने वाली है, तो इसको हम बोलते हैं डॉट पर इंच। मतलब कोई भी अगर आप प्रिंट फोटो देख रहे हैं, अगर आप उसको एक मैग्नीफाई लेंस से अगर हम देखेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए, उसको मैग्नीफाई लेंस से देखें, तो वहाँ आपको अब छोटे छोटे डॉट्स मिलेंगे। मतलब जितना ज़्यादा हाई डॉट्स पास पास में होंगे उतना ही रिजोल्यूशन अच्छा है, और जितना दूर दूर होगा उतना ही रिजोल्यूशन डल है। नेक्स्ट चीज़ हम समझेंगे कि रास्टर इमेजेस जो बनती हैं वो RGB बेस्ड इमेजेस होती हैं, जो हाई कंट्रास्ट और रिच कलर्स होते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू देख सकते हैं। और जो भी प्रिंट करना है वो सब CMYK में होगा, सियान, मेजेंटा, येलो एंड क्रिप्टॉन। इन दोनों का रीज़न यही है कि आप कोई भी RGB इमेज अगर आपके पास है और अगर हम उसे प्रिंट करते हैं तो वो थोड़ी सी कलर चेंज करती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो हम सिर्फ एक डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब हम अपने PC में अगर LCD पे कोई इमेज देख रहे हैं और वो वहाँ जाके हमारे को कुछ और दिख रहा है, तो इसका रीज़न यही है क्योंकि हमारे पास जब हम डिजिटल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं तो वो बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव दिख रही है, लेकिन जब वो प्रिंट कर रहे हैं तो वो इंक में कन्वर्ट हो रही है और इंक में वो चीज़ उतनी कंट्रास्ट नहीं क्रिएट कर सकते। अब हम ये जान लेते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर रास्टर होते हैं और कौन से वेक्टर होते हैं। रास्टर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो डिजिटल फॉर्मेट को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कि लाइक फोटोशॉप, 3ds Max, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर और बहुत सारे 3D सॉफ्टवेयर, जो हम सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में ही इन चीज़ों को देखते हैं। वेक्टर सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो प्रिंट के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वन इज़ CorelDraw, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन और फ्लैश। लेकिन CorelDraw और इलस्ट्रेटर ज़्यादा ग्राफिक के लिए यूज़ करते हैं, तो हमने इसको ये चीज़ हमेशा जस्टिफाई करनी है कि जब भी हमें कोई प्रिंट के लिए ग्राफिक बनाना है तो हमें प्रेफर करना है कि हम इन्हीं सॉफ्टवेयर्स में वो डिज़ाइन करें। अगर आपको कोई बैकग्राउंड डिज़ाइन करना है तो आप फोटोशॉप को यूज़ करेंगे, लेकिन फ़ोटोशॉप को यूज़ करते टाइम कुछ चीज़ों की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छा सा डिज़ाइन कर पाएंगे। क्योंकि फ़ोटोशॉप में भी आप जब कैनवस लेते हैं तो आपको दोनों कलर मिलेंगे, RGB भी और CMYK, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको CMYK में डिज़ाइन करें, जब हम उसे CorelDraw में लाएं तो वो इजीली सेम कलर ही दिखे, उसमें कोई भी डिफरेंस ना आए। तो दोस्तों, हमने इसमें जाना कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स क्या होते हैं और किस तरीके से हमारे को इनको यूज़ करना है। अब अगली क्लासेस में ये समझेंगे कि CorelDraw को किस तरीके से हम ग्राफिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू दोस्तों।